सोकर उठा तो उसने सोने की खिड़की खोलकर बाहर झाँका और कहा, हाँ हो बाने, अरे लड़की आ गई, तो हम आ गए था, तुम आ गए तीस तक अहम तत्कृते सोपानम अवतार्यामी। अरे लड़की तुम आ गई, रुको रुको, तुम पेड़ पर चढ़ नहीं पाओगी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी गिराता हूँ। तत्कथय स्वर्मयम रजतमयम ताम्रमयम भवा। अब तुम बोलो, मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी गिराऊं, चांदी की सीढ़ी गिराऊं या तांबे की सीढ़ी गिराऊं? स्वर्णमय सोने की, रजतमय चांदी की एंड ताम्रमय वा या तांबे की? कन्या प्रावोचत, कन्या ने जवाब दिया, अहम निर्धन निर्धन माता दुहिता अस्मि। ये वर्ड को आप लोग ध्यान से देखो, निर्धन माता दुहिता, निर्धन मातु दुहिता, निर्धन प्लस मातु प्लस दुहिता, मैं गरीब माँ की गरीब बेटी हूँ। ताम सोपाने आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही मैं वापस ऊपर आऊंगी। परम सत सोपाने सस्वर्णम वन वन समाचार, परंतु कव्य ने उसकी ईमानदारी को देखकर उसे सोने की सीढ़ी ही गिराया और उस सोने की सीढ़ी पर चढ़ करके वो बालिका ऊपर कव्य के राजमहल में चली गई। बच्चों आज तक यही तक है, ये आपका होमवर्क है, इसको पूरी अच्छी तरह से रीड कीजिएगा और इससे संबंधित जो भी कठिन शब्द है वो शब्दार्थ में दिखेगा, पढ़ करके समझने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।